नमस्ते। हर रोज़ सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ढेर सारे पैसे बचाने के लिए हमारे टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगे सबसे बेस्ट डील्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने के टाइम ढेर सारा डिस्काउंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग का जो है वो नॉक सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको मैं ये वीडियो में सारा चीज़ बताता हूँ कि नॉक सिक्योरिटी क्या है और कौन कौन से फ़ोन्स में आपको ये मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि सैमसंग का जो नॉक सिक्योरिटी है वो क्या है। तो ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है। इसको आप अलग से डाउनलोड करना चाहो तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि सीरीज़ जो आपको मैं फ़ोन के बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में सैमसंग के ये नॉक सिक्योरिटी चलेगा या नहीं चलेगा। देखो, अलग से तो आप ये नॉक सिक्योरिटी का जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ये जो सीरीज़ मैं बता रहा हूँ, नोट सीरीज़, एस सीरीज़ और ए सीरीज़, ये जो सीरीज़ के फ़ोन्स है कोई भी मॉडल हो उसके अंदर नॉक सिक्योरिटी आता है। तो नॉक सिक्योरिटी है क्या, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनाते हैं, अलग से इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं कोई और फ़ोन लेता हूँ, एम सीरीज़ का सैमसंग का ले लेता हूँ या किसी और डिवाइसेस नॉन सैमसंग फ़ोन्स ले लेता हूँ और उसमें ये नॉक सिक्योरिटी डाल लेता हूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ये इन लोग स्पेसिफिकली सैमसंग ने खुद के लिए बनाए हुए हैं और खुद के भी ये सारे सीरीज़ के फ़ोन से इन लोग के लिए बनाए हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक सिक्योर फोल्डर मिलता है। आपने पहले देखा होगा कि कोई कोई फ़ोन्स में पहले इन ऐप लॉक सिस्टम आता था और फिर बाद में थर्ड पार्टी ऐप्स भी आने लगे, जिससे आप जो है वो जो आपके फोल्डर्स है, मल्टीमीडिया फाइल्स है, उसको ऐप लॉक इंस्टॉल करके उसको लॉक कर सकते थे। पर नॉक सिक्योरिटी में क्या है, आपको मल्टीमीडिया फाइल्स और नॉर्मल जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो तो आप लॉक कर पाओगे, प्लस आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी आप इसके यूज़ से लॉक कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है और ये जो है ये काफ़ी आसानी से टूट नहीं पाएगा। जैसे अगर आपने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया तो ऐप लॉक चला जाता है, मतलब ऐप लॉक का फीचर ऐसे ही होता है, पर इसके अंदर वो इनबिल्ड है, इंटीग्रेटेड है, इसको अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते, मतलब ये ऐप को ही अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी रहेगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रहता है। और इसको अगर आपको लॉक करना है तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पिन हो गया, पैटर्न हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, फेस अनलॉक हो गया, सारे आपको फैसिलिटीज़ इसके साथ मिलने वाले। तो यही है नॉक सिक्योरिटी, काफ़ी अच्छा है ये फीचर है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो और अभी तक आपने नॉक सिक्योरिटी नहीं यूज़ किया है तो ज़रूर ये यूज़ करके देखना, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आपके जो मेन अकाउंट है अगर वो हैक हो सकते हैं आपको लग रहा है तो नॉक सिक्योरिटी में अगर आप रख दोगे उसको तो आपका अकाउंट जो है मेन सोशल मीडिया अकाउंट वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप आपको नॉक सिक्योरिटी समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो आप कमेंट्स में मेरे को लिख के पूछ सकते हो, आपको मैं वहीं पे आंसर दे दूंगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मेरे एनालिटिक को आपको मैं दिखा देता हूँ कि 98% जो है वो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं। मतलब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ये चैनल ग्रो होगा। आप देख सकते हो एनालिटिक्स, देखो 98% लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं पर उन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, सिर्फ 1.4% लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करोगे तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ ये वीडियो शेयर किया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।